नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है कमल और स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इंडिया लुक्स और उसके आने वाले नए वीडियो पे। सो दोस्तों, आज अपन आए हैं लक्ष्मणगढ़ फोर्ट पे। लक्ष्मणगढ़ फोर्ट एक प्रसिद्ध फोर्ट है और काफ़ी अच्छा फोर्ट है, तो आज अपन इसको विजिट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये जो फोर्ट है ये अंदर से कैसा है। आप मेरे पीछे फोर्ट का गेट भी देख सकते हैं कि किस प्रकार का इस फोर्ट का गेट है। काफ़ी छोटा सा गेट है अंदर प्रवेश करने के लिए, तो अपन अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं कि अंदर का क्या नज़ारा। और आगे यहाँ के जो स्थानीय अपने कुछ लोग मिलते हैं उनसे अपन बातें भी करेंगे और लक्ष्मणगढ़ फोर्ट की जो जितनी जानकारी अपने को मिलती है उतनी जानकारी अपन प्राप्त करेंगे। तो चलिए चलते हैं, आइए। अभी हम फोर्ट के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। फोर्ट के अंदर आने के बाद में देखा जा रहा है कि यहाँ पे फोर्ट का जो गेट है, मेन गेट, वो बंद है। यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, तो अंदर अपन फोर्ट के प्रवेश नहीं कर सकते। तो कुछ झलकियाँ अपन यहाँ के ड्रोन से देखेंगे कि अंदर से फोर्ट कैसा है और कैसा इसका जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है। तो फोर्ट के अंदर प्रवेश करने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, हनुमान जी का मंदिर है, जो बहुत ही खूबसूरत और अच्छा सुंदर मंदिर है। तो अपन चलते हैं यहाँ पर, पहले मंदिर देखते हैं, मंदिर का नज़ारा कैसा है, फिर अपन पुजारी जी से बात करते हैं कि इस गढ़ की और इस ये जो मंदिर है यहाँ की स्थापना के बारे में क्या क्या ये जानकारी अपने को मिलती है, वो सारी जानकारी अपन लेते हैं। पहले तो आप हमें अपना नाम बताइए कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम मनोज कुमार जोशी है और हमारे पीडीओ से यहाँ पे पूजा चल रही है। हमारे परदादा भोला राम जी थे, तो उनके हम चार भाई थे, उन्होंने चारों का अपना अपना सरा बांध लिया, उसका पूजा अर्चना करते हैं। और ये आदिकाल से है मंदिर, पहले भेड़गांव की पहाड़ी थी, उसके बाद राजा इधर से फतेहपुर जा रहा था, राजा लक्ष्मण सिंह, तो उसको मंदिर की जगह पे एक तो भेड़ और गाय अपने भेड़गांव की पहाड़ी थी, गाय से सिंह गाय अपने बछड़े को बचाने के लिए शेर से युद्ध कर रही थी, तो ये तपोस्थली मान के राजा ने ये किले का निर्माण किया। और बालाजी महाराज स्वयं भू है, दक्षिण मुखी है, और यहाँ पे नगर की पूरे की विवाह शादी जाजुड़ू ले धोक लगती है। और यहाँ का लक्ष्मणगढ़ का गया हुआ कोई भी परिवार होए, चाहे आसाम, कलकत्ता, गुवाहाटी, अमेरिका, कहीं पर भी रहो, वो आएगा इधर शादी उधर कर लेगा, विवाह शादी जाजुड़ू लेके धोखा देने के लिए हमारे यहाँ पे आएगा। तो जैसे कि पुजारी जी हमें बता रहे हैं कि ये जो मंदिर है वो दक्षिण मुखी बालाजी का मंदिर है, और यहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ पर जो भी कोई शादी हुआ होता है, चाहे वो कहीं भी अभी लक्ष्मणगढ़ का है और वो कहीं भी रहता हो, अगर उसने शादी की है, विवाह किया है, तो यहाँ पे आके उसका जात जड़ूला, जो बच्चे का जड़ूला होता है, जात लगती है, शादी की जात लगती है, वो यहाँ पे आके वो लगा के जाते हैं। मीन्स अपन ये मान सकते हैं कि मंदिर की जो मान्यता है वो काफ़ी ज़्यादा मान्यता है, और मंदिर देख के लगता है यहाँ की जो यहाँ पे आने के बाद में मंदिर, ये मंदिर का जो गर्भगृह है, यहाँ पे प्रवेश करने के बाद में ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शांति है, मन में जो शांति उत्पन्न होती है यहाँ पर आने के बाद में, उसे देख के लगता है कि मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालु जो है उनकी हर एक मनोकामनाएं भी पूर्ण होती होगी। तो आप भी यहाँ पे आकर के मंदिर में बालाजी के दर्शन कर सकते हैं और बालाजी की कृपा आप पा सकते हैं। तो अपन बात करते हैं पुजारी जी से कि और यहाँ के बारे में अपने को डिटेल से कुछ और बातें बताएं। और ये बालाजी के सब छोटे वगैरह सब गण हैं, जैसे जितने भी गण हैं नीचे दिख रहे हैं, ये सब गण हैं। अच्छा, नीचे जो छोटी छोटी मूर्तियां लगी हुई है, हाँ, ये बालाजी के गण है। अच्छा, और ये बालाजी महाराज की ध्वजा है। तो गण जो आप गण बता रही हो, गण जैसे मतलब आप दर्शकों को, जैसे नल है, नील है, सुग्रीव है, बाली है, वो सब पूरी सेना, पूरी फौज है बालाजी की इधर। अच्छा, मतलब जो रामायण में अपन ने देखा था नल नील वगैरह, जो राम सेतु जिन्होंने बनाया था, वो सारी जो सेना है वो यहाँ पर अपने को देखने के लिए, यहाँ पर उनके अपने को दर्शन यहाँ पे हो सकते हैं। तो और बताइए पुजारी जी, रामायण काल के अंदर भी, रामायण बनाई है फिल्म, तो उसके अंदर भी बालाजी गया इधर का पुराना इतिहास है, स्वयंभू है,
सीता माता को लेके गया था पुष्प विमान में रावण का, तो उधर वो ये बताया गया है रामचरित मानस भी यहाँ का इतिहास है। और बालाजी के दरे कोई भी मनोकामना करो वो सब काम पूर्ति होती है। और बालाजी के शनिवार और मंगलवार को जागरण होता है, पारसनाथ जी महाराज आते हैं वो हर शनिवार मंगलवार को जागरण करते हैं इधर बालाजी के। तो एक ही मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगा कि जो गढ़ है काफ़ी अच्छा विशाल गढ़ है, यहाँ से पूरे लक्ष्मणगढ़ का जो दृश्य वो नज़र आता है, पूरा लक्ष्मणगढ़ यहाँ से नज़र आता है, तो ये गढ़ जो है यहाँ पे जाना अंदर अलाउ क्यों नहीं है? ये जाना तो अलाउ नहीं है सैनिय, 1960 के अंदर इसको राजा कल्याण सिंह ने इसको 36,000 रुपये में बेच दिया था बनिए को। ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई है? प्रॉपर्टी हो गई है। अच्छा, तो वो तो उनकी मर्जी है कि वो जाने दे या ना जाने दे। इतने वर्ष तो खुला था ये, इतने वर्ष तो ये गढ़ खुला था, लेकिन ये टावर लगने के बाद ये बनिया ने जूझने वाला परिवार ने इसको कैसे मानो अपने अधिकार से इसको बंद कर दिया। लक्ष्मणगढ़ में कोई बोलने वाला है नहीं, कोई नेता नांगड़ा कोई भी नहीं है जो इस गढ़ के लिए कोई बोल सके। सबकी बहन बेटियाँ दूर दूर से आते हैं यात्रीगण, सबके मन में यही रहती है कि ये गढ़ को किले को अपन देखें, लेकिन आगे लिखा हुआ है बोर्ड लगा दिया निजी संपत्ति है, इसको बोल के इसको बंद ही कर दिया, देखने बिल्कुल नहीं थे, सबके मन में भावना रहती है अपन गढ़ देखें किला देखें बहुत दर्शनार्थी आते हैं। जैसे पहले की जो बहन बेटी यहाँ से ब्याह के किसी दूसरे गांव में चले गए वो आज भी आते हैं, तो उनकी इच्छा रहती है कि गढ़ को अपन देखें, क्योंकि पहले उनका देखा हुआ है, फिर भी इच्छा होती है कि एक बार देखें, क्योंकि जो चीज़ें देखी होती हैं उनको वापस से सुनहरी बनाने का सबकी इच्छा होती है, मगर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर सबको लॉक मिलता है, यहाँ पर आगे जाने का किसी को मौका नहीं मिलता है। तो पुजारी जी, पहले कोई भी यात्री जाज उड़ूला करने आते थे, विवाह शादी की नई बीननी बीन आते थे धोख लगाने के लिए, तो सब पहले धोख लगा के उसके बाद ऊपर गढ़ पूरा किला घूम के आते थे, पानी वगैरह सब ऊपर ही पीते थे। अभी क्या टावर लगाने से बंद ही कर दिया इसने, और इसकी रिपेयरिंग करवा के अपने निजी दिन में कर लिया, और कंपनी के चौकीदार है और रहते हैं टावर वाले आदमी आते हैं वही जाते हैं, और किसी का अलाउड नहीं है। सेठ बनिए लोग अपना कोई निजी पर्सनल आदमी कोई होटल है जाजोद के पास उसका कोई आदमी आ जाता है वो फ़ोन कर देते हैं सिक्योरिटी गार्ड को, वो उसको दिखा देते हैं, और किसी को नहीं अलाउड है इसके अंदर जाना। जिस कोई पर्सनल आदमी हो कोई निजी हो वो ही अंदर प्रवेश कर सकता है, बाकी किसी को जाने की अनुमति नहीं है। या फिर ऊपर जो टावर लगे हुए हैं वो हमें हम आपको ड्रोन से उसका दृश्य दिखाएंगे कैसे टावर लगे हुए हैं, किस चीज़ के टावर लगे हुए हैं, तो उनका जो रिपेयरिंग करने वाले या फिर कोई भी उनसे रिलेटेड वर्क करने वाले होते हैं वही अंदर जा पाते हैं। तो पुजारी जी, आप यहाँ पे इस मंदिर में कितने वर्षों से पूजा कर रहे हैं, आपका परिवार या आप कितनी पीढ़ियों से यहाँ पे पूजा कर रहे हैं? हमारे यहाँ पे 7वीं पीढ़ी चल रही है। हमारे परिवार के अंदर भोला राम जी का परिवार था, उनके 4 लड़के थे, उन्होंने चारों ने अपने सारे के 1 साल बांट लिया, उनके जैसे जैसे वंश बढ़ता गया उस किसी का 6 महीने का था, किसी का 12 महीने का था, किसी का 2 महीने का था, उस हिसाब से हमारा सब लोगों का परिवार का जोशी परिवार का सराहता है। हमारा फर्स्ट का परिवार राजा के द्वारा हम स्थापित किया, और राजा के द्वारा ही हमारे को ताम्र पत्र मिला हुआ है बालाजी के दिन सेवा पूजा बंदगी का, तो हम सेवा पूजा बंदगी करते हैं। ताम्र पत्र, जैसे आप बता रहे हो कि ताम्र पत्र मिला, ताम्र पत्र आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ताम्र पत्र क्या होता है? वो मतलब पुरानी राजा का पट्टा बोलते हैं उसको, ताम्र पत्र बोलते हैं। तो राजा का पट्टा मिला हुआ है हमारा मंदिर का, तो मंदिर के अंदर ये बढ़िया का कोई लेन देन नहीं है, फिर भी ये बढ़िया सुबह हमारे लिए गेट खुलता है, हम पानी के ऊपर से पानी लाते हैं, बालाजी का कुंड बना हुआ है और एक बगीचा है, बगीचे में फूल तोड़ के आते हैं, ऊपर माई है राजा की, राजा लक्ष्मण सिंह की माई है, तो वो माई के शुभम धूप दियाबत्ती करके और आ जाते हैं। उस टाइम पे एक पुरानी बात है हमारी सुनी हुई है, हमारे पूर्वजों ने बताई है कि भाई खेतड़ी का राजा था, तो खेतड़ी का राजा ये गढ़ किला बन रहा था, उस टाइम पे उसने अटैक किया इसके ऊपर, तो इधर फौज नहीं थी, तो बालाजी के दर्शा हुए हमारे खुशाली राम जी को, तो उन्होंने इधर आदेश हुआ कि भाई ऊपर जाओ, ऊपर जाके नाड़ तोप किनार, उन्होंने 6 नाड़ तोप ऊंची किया और इधर से खेतड़ी की फौज बलारा के पास थी, तो बलारा की फौज इधर से नाड़ चलाई, तो पूरी फौज ध्वस्त होके वापिस पीछे मुड़ के उसको वापस जाना पड़ा, वहीं से उसे वापस जाना पड़ गया, वापस जाना पड़ा वो फौज पूरी फौज को ही। ये बालाजी का ही चमत्कार था। बालाजी हर भक्तों की शनिवार मंगलवार पूरा मेला लगता है और बालाजी सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, पूर्णिमा को विशेष प्रोग्राम होता है बालाजी के। और अगर बालाजी की कुछ मनोकामनाएं अपन करते हैं यहाँ पे आके, तो मनोकामनाएं है जो अपनी पूर्ण होती है, मीन्स चाहे वो नौकरी की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे शादी की हो, जो भी कोई मनोकामना हो वो यहाँ पर बालाजी के आके अगर अपनी मनोकामना करते हैं तो वो पूर्ण हो जाती है। दूर दूर से भगत आते हैं, कोई कलकत्ता आसाम गुवाहाटी, कोई हिमाचल कांगड़ा हरियाणा चारों मेड़ के भगत आते हैं, उन सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। जिसका इधर बालाजी का हुक्म होएगा उसी को ये दर्शाव के लिए बुलाएंगे, वरना कोई किसी को नहीं बुलाता है, बिना हुक्म के नहीं बुलाता है, जिसको हुक्म होएगा उसी को गढ़ पे बुलाएगा वरना नहीं बुलाएगा। सही है, ये मानना भी होता है, अपन सभी ये मानते हैं कि जब भगवान का बालाजी का माताजी का अगर बुलावा होता तभी अपन वहाँ जा पाते हैं, उससे पहले
चाहे अपन कितनी भी कोशिश कर ले, अपनी लाख कोशिश कर ले, अपन नहीं जा पाते। तो जब ईश्वर हमें बुलाता है अपने पास में, अपने चरणों में बुलाता है, तो उस समय चाहे अपने कितने भी काम हो, अपन वहाँ पे ऑटोमेटिकली अपना टाइम वहाँ से वहाँ के लिए निकल ही जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, पुजारी से बात करके काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी सारी अपने को जानकारी मिली है। पुजारी जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को ये सारी बातें बताने के लिए, आपका बड़ा धन्यवाद। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। सो दर्शकों, अभी पुजारी से अपन ने बातें की है, पुजारी से बातें करके अपन ने गढ़ और यहाँ का जो मंदिर है, मंदिर के बारे में काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त की है। तो आगे अपन और देखते हैं दर्शक कैसा गढ़ का दृश्य है, जितना भी अपने को देखने के लिए मिलता है उतना अपन देखते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो गैस अब अपने पूरे फोर्ट का नज़ारा देख लिया है, ड्रोन से भी अपने कुछ शूट लिए हैं, वो आपने अच्छे से देख लिए होंगे। तो अब अपन फिर से मंदिर के अंदर आए हैं। मंदिर के अंदर आने के बाद में अपने को कृष्ण कांत जी मिले हैं, शर्मा हैं ये, और ये इनसे अपन और कुछ मंदिर की और गढ़ की जो जानकारी है वो हासिल करेंगे। तो ये अपने को क्या क्या बताते हैं, अपन इनसे बातें करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। जी धन्यवाद आपको भी, जय सियाराम। ये इकलौता बेड़ नाम का गांव था जो उजड़ गया, फिर इस पहाड़ी को बेड़ की पहाड़ी बोलने लगे। दूर दराज तक कोई पहाड़ी नहीं, यही पहाड़ी जमीन से निकली हुई है और इतिहास में इसका नाम है। और ये RSRP इसके प्रश्न में भी आता, बेड़ की पहाड़ी कहाँ स्थित, लक्ष्मण स्थित ऐतिहासिक पहाड़ी है। दूर दराज तक कोई पहाड़ी नहीं, ये बीड़ जंगल था। सीकर राजा माधव सिंह शिकार खेलने आए थे, इसकी तलटी में एक गाय बछड़ा चल रहा था, अचानक शेर आया, बछड़े को खाना चाह रहा था, गाय उसका सामना कर रही थी। ये दृश्य सीकर राजा माधव सिंह जी देख रहे थे, गाय के प्रति अपने सनातन में मातृभाव है, शेर को मार दिया, गाय को जीवनदान मिल गया। फिर उनके बाद दिमाग में ये विचार है कि ये जरूर वीर भूमि है जहाँ एक गाय शेर का सामना करे, क्यों नहीं स्थान किला बनाए। किला सिकंद में बना था, फिर भी ये दूसरा किला बनाना शुरू करते। जैसे ही दीवार उठाते, दूसरे दिन सूत पर पत्थर हिले मिलते, दरार पड़ी हुई थी, बन नहीं पा रहा था, बाधा पे बाधा आ रही थी। तो राजा ने अपने दरबार में साधु संतों सलाम मशवरा किया, तो एक संत घूम फिर के बोले, यह हनुमान जी की दक्षिणाभिमुख स्वयंभू आकृति उभरी हुई है, तो यहाँ वैदिक प्राण प्रतिष्ठा कीजिए, अखंड दीपक जलाइए, फिर शायद बन सके तो बन जाए, ऐसी संभावना उन्होंने व्यक्त की। तो यहाँ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, कई वर्षों तक अखंड दीपक जला, फिर दोबारा पुनः इसका निर्माण शुरू किया, तो बिना कोई बाधा के बन गया। पहले बाधा पे बाधा आ रही थी, तो सीकर राजा माधव सिंह, हरदयाल सिंह, कल्याण सिंह, फिर लक्ष्मण सिंह राजा हुए, काफ़ी धार्मिक राजा थे, शांत वृत्ति के राजा थे, साधु वृत्ति थी, गीता का अध्ययन करने वाले, स्वाध्याय करने वाले राजा थे। उनकी सोच थी कि मैं निमित्त मात्र हूँ, श्री रघुनाथ जी उनके इष्ट देव थे, श्री रघुनाथ जी राजा, ऐसा मान करके उन्होंने सीकर का शासन किया और यहाँ अपने आराध्य श्री रघुनाथ जी के श्रद्धा समर्पित अपने इष्ट देव के नाम से कई सामाजिक संस्थाएँ खोली, सोशल वर्किंग की, जिनमें श्री रघुनाथ लड़कों के स्कूल, लड़कियों के स्कूल, श्रीनाथ औषधालय, श्रीनाथ हॉस्पिटल, श्रीनाथ गौशाला, नंदीशाला, धर्मशाला, प्याऊ, जो आज भी संस्थाएँ वो ट्रस्ट के माध्यम से महाजनों के सहयोग से चल रही है। तो उन तमाम संस्थाओं में रामनिवास जी नाम के जो उनके दादा परदादा थे वहाँ के बसे हुए थे, झुंझुनू से थे,
तो उन रामनिवास जी ने राजा को काफ़ी प्रमोट किया, उन्होंने खूब पैसा दिया कि मेरा भी धन पवित्र हो राजा जी, और निसंकोच आप संस्थाएं खोली। तो ये राम लक्ष्मण सिंह जी ने कई संस्थाएं खोली, उनमें रामनिवास जी झुंझुनू ने काफ़ी सहयोग किया निस्वार्थ भाव से। जब राजा का देहावसान होने लगा तो राजा की इच्छा हुई क्योंकि किला लक्ष्मणगढ़ में है तो किसी लक्ष्मणगढ़ के ही व्यक्ति को दूँ, तो उन्होंने फिर रामनिवास जी को देना तय किया। तो उन्होंने रामनिवास जी को ये किला संभाली, लेकिन वो बोले जो कुछ जो भी दिया किया तो वो धर्मक्रम के लिए था, चूँकि किला आपकी निजी संपत्ति है जागीर अधिनियम के तहत आपकी है, आप कुछ पैसा लें रुपये लें तो ही मैं लूँ, ये मेरा धर्म नहीं बनता। तो मजबूर होकर राजा को 1961 में ये 35,000 के आसपास रुपए दिए। फिर ये झुंझुनू वाला परिवार रामनिवास जी के परिवार, हनुमान जी है, हनुमान जी की स्वयं भू मूर्ति है दक्षिणा में, पूरे नगर के देव है आराध्य देव, या जन्म और प्रण की धोक लगती है, या पूरे नगर के देव, सनातन की तमाम जातियाँ जो है वो चाहे कहीं भी हो, विदेश में महाजन लोग रहते हैं वो यहाँ के धोक लेते हैं, सब अटल है अचल है दक्षिणा मुख मूर्ति है। सालासर के पुजारी भी यहाँ आते हैं, जात जुड़ूला ये यहाँ प्रसाद करके जाते हैं, जमाते सिद्ध पीठ है, या शनिवार मंगलवार को राम नाम संकीर्तन सुंदरकांड रामचंद्र हनुमान चालीसा होता रहता है। जो भी सालासर के यात्री हैं वो यहाँ आते रहते हैं दर्शन करने। सिद्ध पीठ है और दक्षिणाभिमुख है, स्वयंभू मूर्ति है और सिद्ध है। जैसे तो जैसे कि कृष्णकांत जी ने हमें काफ़ी अच्छी जानकारी यहाँ की दी, यहाँ की स्थापना की जो जानकारी है वो इन्होंने हमें दी है, काफ़ी अच्छी बातें बताई है। तो कृष्णकांत जी में एक चीज़ आपने अभी बताया कि ये जो पहाड़ी है ये नीचे से प्रकट हुई थी, अपन देख भी सकते हैं कि यहाँ की जो पहाड़ी के जो पत्थर हैं अपने को बाहर नजर आ रहे हैं, काफ़ी विशाल पत्थर नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे जो रास्ता नीचे से बना हुआ है वो रास्ता जैसे ऐसे लग रहा है कि जैसे पत्थरों को काट करके रास्ता बनाया हुआ है। तो ये रास्ता जैसे पत्थरों की जैसे चिनाई करके बनाया गया है या फिर ये पत्थरों को काट करके बनाया गया है? ये जो पहाड़ी है इनके गोलाकार पत्थर हैं, औंधे मुंह मटके लिए पहाड़ी है, और इस पहाड़ी पे मतलब न के काट के बने हुए, जैसे जैसे रास्ता था उस हिसाब से इसको आकृति दे के ये किला बनाया हुआ है। किले के चारों तरफ ये गुफाएं थी, ऐसा भी बोलने में आता है किले गुफा सालासर बताते हैं, नहीं ये आपके सीकर बताते, कोई कहते हैं ये फतेहपुर जाती है, लेकिन संभवतः 2-4 किलोमीटर तक थी बाहर जाने का रास्ता था। जब राजा आक्रमण हो तो राजा भाई अंडरग्राउंड रास्ते से गुफा द्वारा चला जाए और सेना लड़ती रहे, लेकिन इतिहास में है ऐसा कि भाई ये सीकर गुफा जाया करती थी, सीकर दरबार में यहाँ से सीकर गुफा जाया करती थी, और आज उसका शायद अस्तित्व है यहाँ से।